उदयपुर वाटी कस्बे के मुख्य मार्गों से जी जन जागरूकता सेवा संस्थान के तत्वावधान में सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। उदयपुर वाटी कस्बे में मुख्य मार्गों से जी जन जागरूकता सेवा संस्थान के तत्वावधान में सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया गया। महेश बहला ने बताया कि रैली के दौरान लोगों को संदेश दिया गया कि वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें। कार्यक्रम के दौरान जिला परिवहन अधिकारी मक्खन लाल जांगिड़ व परिवहन उप निरीक्षक रोहितास कुमार ने रैली में आए निजी स्कूल छात्र छात्राओं व आम लोगों को यातायात नियमों के बारे में बताया तथा दुर्घटना से बचने के उपाय बताए। निजी शिक्षण संस्था जवाहर मेमोरियल पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने रैली में भाग लिया। 450,000 के करीब दुर्घटनाएं घटित होती हैं, जो कि विश्व में प्रथम स्थान पर हमारा देश है, और इसमें 150,000 के करीब लोग अपनी जान गंवाते हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि 80% लोग हैं वो युवा उसमें होते हैं। और इसलिए ये एक बहुत ही महत्व का विषय हो गया है कि हम कैसे भी करके और अपने देश में दुर्घटनाओं को जीरो की संख्या पर लाएँ और इनमें जाने वाली जानों की संख्या को जीरो करें। अब जो कोरोना काल चल रहा था, इसमें हमने देखा कि पूरा जो प्रशासनिक अमला है, पूरा राजनीतिक तंत्र है और आम जन है, सब लोग जो है उन्होंने एकजुट होकर और इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जिसमें लगभग 150,000 लोगों ने अभी तक अपने देश में जो है जान गंवाई। मैं इसकी तुलना करना चाह रहा हूं कि जिस कारण से ये 150,000 लोगों ने जान गंवाई, उसके प्रति हम खूब सजग अभी तक रहे हैं, और जिस कारण से हर वर्ष 150,000 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जिनमें कि ज़्यादातर युवा हैं, उनके लिए हम बिल्कुल भी सजग नहीं हैं। इसी क्रम में जो है हमारे भारत सरकार और राजस्थान सरकार वो इस विषय को बहुत ही गंभीरता से वो ले रही हैं और ये सड़क सुरक्षा माह का जो है इसमें किया है। 18 तारीख से हम सड़क सुरक्षा माह को मना रहे हैं। इस दौरान हम बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें रैली का आयोजन भी है, सेमिनार्स का आयोजन है, लोगों को फूल देकर समझाइश करना है और सड़क पर इन्फोर्समेंट एक्टिविटी को और मजबूत करके हम ये गतिविधियाँ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर चलते हुए सड़क सुरक्षा के नियमों का, यातायात नियमों का पालन करें। जब भी आप मोटरसाइकिल चलाएं, हेलमेट पहनकर बैठें, कार में सीट बेल्ट पहनकर बैठें और नियंत्रित जो है उसमें गति को रखें, नियंत्रण में रखें गति को। इस प्रकार जो है हम ये 150,000 लोगों की जान, यदि हम सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, यातायात नियमों का पालन करें, तो हम बचा सकते हैं। और इसी क्रम में ये सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उदयपुर वाटी के निवासियों को, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे महेश जी को, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा आयोजन किया। इस क्रम में रैली का आयोजन किया गया, बहुत ही अच्छे गाने यहाँ पर चलाए गए, जिनमें सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया और बच्चों को जो है इसके प्रति जागरूक किया गया, और सारे जो उदयपुर वाटी के निवासी हैं उन्होंने भी इस रैली को देखा, इससे सीखा। हम आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे और हमारा ये प्रण है कि हम सड़क दुर्घटनाओं में जाने वाली जानों की संख्या को जीरो पर करें। थैंक यू। देखिए, जो लोग सड़क के नियमों का पालन किए बिना सड़क पर अपना वाहन चला रहे हैं, उनके विरुद्ध परिवहन विभाग और यातायात विभाग जो यातायात पुलिस है वो लगातार प्रवर्तन की कार्यवाही करते हैं। हम उनको चेक करते हैं और अधिक संख्या में यदि ओवर क्राउडिंग उसमें मिलती है तो नियमानुसार उसका चालान बनाया जाता है, उनको रोका जाता है, गाड़ियों को सीज किया जाता है। इसके अलावा भी जो दूसरे ऑफेंसेस भी यदि वहाँ पे पाए जाते हैं, बिना फिटनेस के गाड़ी चल रही है, बिना परमिट के गाड़ी चल रही है, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चल रही है, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं किया जा रहा है, बहुत ही अनियंत्रित गति से गाड़ी को चलाया जा रहा है, उन पर भी हमारे जो उड़न दस्ते हैं वो उनको रोकते हैं और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।